Ay, sa di naman lagi. Mahali ka. Ay, kamali. भाभी रोना नहीं है, हंस के दिखें आप, वरना हमें परेशानी होगी बहुत ज्यादा। रोना नहीं है, अहमद भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए जो है ना इसे बस उठा के बिठा दिया। बस दिल्ला पैसा दे करते हैं। हसन किधर जा रहे हो? अल्लाह ताला करम करे जी। अस्सलामु अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों दोनों से आपका भैया ताह बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने सामान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। इसी नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुँच जाए। गला मेरा अभी तक ठीक नहीं हो रहा, और कल शाम को जो है मगरिब के बाद फिर टेम्परेचर हो गया था। अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए जो है ना मच्छर भी है और मलेरिया वगैरह जो है ना सब किसी को हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखना, ऐसा कि बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम ऐसे घर चले जाएँगे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ताला, नाश्ता वगैरह करके जो है ना हम यहाँ से रवाना हो जाएँगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना कुछ मेहमान पहुँच चुके हैं और कुछ मेहमान जो है ना उन्होंने आना है हमारे यहाँ, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। चलें तो अब चलते हैं आज की बहुत ही ख़ास वीडियो की तरफ। माशाल्लाह जी, सब जाग चुके हैं और हाथ मुंह भी धो लिया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें बाद रहें, हमें दो में याद रखें, समझते रहते रहें, खुल गए आमीन। जिन्हें हुए हमारा चैनल को कायदा सब्सक्राइब लाइक शेयर और अच्छा कमेंट, तो हम जाग तो कब कह चुके थे। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना हमारा नाश्ता जो है ना आज का वसीम अकरम के घर पे है। हाँ जी, नाश्ता तैयार है, तो ये सब हमें बुलाने के लिए आए हुए हैं। इधर हबीबुल्लाह भी तैयार है, सलाम दुआ नहीं की हबीबुल्लाह आपने। माशाल्लाह, हाँ जी, इस तरह जो है ना हबीबुल्लाह सलाम किया करो, और ये हाजरा भी हमें लेने के लिए आई हुई है, सलाम करें, चलें हाजरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले जी। और रात हम गए थे भाई के घर, भाई और भाभी के घर। हाँ, रात तकरीबन घंटा डेढ़ दो घंटे हम वहीं पे रहे, हम उधर और नाश्ता जो है ना फिर हमने सोचा यहीं पे कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नाश्ता हमारे यहाँ करना है, वैसे जो है ना जब भी हम आते हैं सुबह का नाश्ता उधर ही करते हैं। हाँ जी, कभी कभी इधर करते हैं कभी उधर करते हैं। अकरम भाई भी हमें लेने के लिए आए हुए थे लेकिन वो गए हुए हैं मर्ड हाउस में। वालेकुम सलाम। ओ अकरम भाई, ये आ रहे जी। इधर खाना तैयार हो रहा है जी, ये देखे इधर मर्ड हाउस में खाना तैयार हो रहा है, तंदूर पे सिर्फ आए हैं, छापा लग गया जी। इधर ही चलते हैं फिर, आ जाए लेते चाहेंगे। नहीं अभी आ रहे हैं हम, एक एक रोटी रहती है। अच्छा, एक रोटी रहती है लास्ट वाली, फिर हम इधर खड़े रहे, हम आपके पास आ रहे हैं, फिर इकट्ठे चलते हैं। मैं आ रहा हूँ उधर, चले आ जाएगी पीछे, आ जाए फिर आ जाए। ये देखे जी, यहाँ पे रोटी लग रही है, भाभी जान लगा रही है रोटी। अकरम भी आ रहे हैं, भाई वाला जो है ना तंदूर की रोटी खाते हैं तो उसको ना तवे की रोटी नहीं खिलाते। जजाक किला भाभी जान, तंदूरी रोटी जो है ना हमारी फेवरेट है। हाँ जी, तो इसलिए ना मैंने तंदूरी रोटी बनाई। चले माशाल्लाह, जजाक किला।
चले अकरम भाई भी आ गया जी। मैं इधर चढ़ गया था ईंटों के ऊपर, ये देखें जी। चले अकरम भाई और सुना तबीयत सेहत का हाल? बिल्कुल अमन चमन जबरदस्त। सुबह मैं ढूंढता रहा, मैंने कहा पहले किधर गए। बस वो दही खाने के लिए गए थे, क्योंकि वो खरीद थी ना टिक्का बोटी वो कबाब वगैरह, तो मैदे में जलन सी महसूस हो रही थी। तो उधर फिर दही खाने क्या करने गए थे? दही तो इधर भी मिल जाती है। बस हमें क्या पता, हम चौक पे गए। इधर से इतना चक्कर लगा के इधर रोड के ऊपर दुकान है, यहाँ से मैं अभी दही लेके आया। अच्छा, यहाँ पे हमने गौर भी नहीं किया। नहीं नहीं, ये सब रोड पे नहीं है। अच्छा आगे है, हमें तो पता नहीं था ना। जो अंदर रोड जा रही है ना बस्ती के अंदर। अच्छा अच्छा, बस हम चौक पे चले गए थे। हाँ जी भैया, जी दुकान तो नहीं खाने गए हैं जी। बोला बाल लिया है, अंदर चलते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है। नहीं, बहुत जबरदस्त है, मैंने रात चेक किया है। बेहतरीन भी है, देसी जुगाड़। और ये सकोर से जितना भी खोले ना, ये सकोर से अपनी जगह पे, ये बकरियां है ना, ये पौधे वगैरह सारा कुछ कितनी मरतबा पता नहीं खा गई। नहीं जबरदस्त, क्योंकि बच्चे अभी धोया जा रहा है। आपने पहले नहीं धोया था? सुबह जब उठते हैं ना उसी वक्त हाथ मुंह धो लेते हैं। इधर क्या देख रहे हैं? दोनों बाप बेटी यहाँ पे परिंदे रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन तोते देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते ये देख। हाँ माशाल्लाह, ये बड़े तोते भी थे, वो कहाँ पे हैं? इधर भी हैं जी नीचे, ये देखिए माशाल्लाह, प्यारे प्यारे। ये रहे बड़े। हाँ ये हैं जी माशाल्लाह, प्यारे प्यारे। ये बोली भी करते हैं? नहीं। सिखाया नहीं इनको? इनको सिखाया ना वसीम अकरम। हाँ, ये बातें करेंगे आपके साथ। माशाल्लाह, हाँ इसको सिखाना है, ये फिर बातें भी करेगा आपके साथ। इसके साथ बातें किया करो, सिखाया करो इसको। ये क्या हो रहा है? ये ना वो है पैरट का तोता, ए बच्चा। अच्छा, ये वाला ना, इसको ना वो तीन टाइम ना खुराक खिलानी पड़ती है। माशाल्लाह, चलो जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये देखें जी, इस तरह इसको गिजा दी जा रही है। छोड़ दे छोड़ दे। माशाल्लाह, क्या ही बात है यार, बहुत अच्छा तरीका है। देख ले कितनी है। क्या चीज ये? ना ये जो बच्चों को खिलाते थे ना वो सीरिलैक वो ही है। चल ये रख दे। हाँ, इसको जो है ना वसीम आपने सिखाना है बोली बातें करना। ये बिल्कुल, ये सीखेगा। दो तीन दिन का दे दें, मैं पाल के दे दूंगा आपको। अच्छा, इसकी ना फीड होती है पहले ना, ये अभी ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर, ये अभी ना इतना बड़ा हो गया तो इसको मैंने ये सीरिलैक लगाया है। सही है, नहीं तो वो जो है ना आप ये पकड़ो मुझे। ये पैर साफ कर, छोड़ दे। हाँ, ये इसको नुकसान देंगे बेचारे को। मैं खुराक पे खाना बैठा। माशाल्लाह, ये देखिए किस तरह जो है ना ये खा रहे हैं अपनी गिजा, तोड़ के निकाल के उसमें से जो है ना उसका मगज खा रहे हैं। लग गया ऊपर। दरवाजा जो है ना वो छोटा हो गया इसीलिए लगता है। और नाश्ता माशाल्लाह तैयार है, मेरा फेवरेट। वाह भी वाह, ये देखें प्याज और लस्सी, क्या ही बात है। इससे बढ़कर और कोई नाश्ता हो भी नहीं सकता है ना। चलें जी, आपको अच्छे लगते हैं मसल प्याज? हाँ जी। चले फिर, टूट पड़े, जल्दी जल्दी आ जाए अकरम भाई। बिस्मिल्लाह करें, बाकी सब भी आ जाए तो फिर जो है ना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता हमने कर लिया, मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त।
अकरम भाई आपने हमें फेवरेट वो खिलाए। वो एक कमेंट आया हुआ था एक भाई का इंडिया से, उन्होंने कहा कि यार हमारे यहाँ तो 260 रुपए किलो है प्याज। नहीं हमारे पास मैं सुबह लेके आया हूँ 160 रुपए, यानी कि 100 कम है इंडिया से, लेकिन फिर भी अगर इस तरह देखें तो 520 रुपए किलो बनता है उस हिसाब से। अगर अपने हम करेंसी के हिसाब से देखें, हाँ करेंसी के हिसाब से देखें तो फिर महंगा है, बहुत महंगा है, काफी महंगा है। उधर टमाटर सस्ता होगा? हाँ टमाटर की पैदावार ज्यादा होती है ना वहाँ पे, इसलिए सस्ता होगा। नमक वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा और प्याज भी महंगा है। अब चलते हैं जी असगर भाई और समीना भाभी से, अभी तक हम नहीं मिले, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी भाभी की, तो उनसे मिलते हैं फिर जो है ना, इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह ताला जी। तो यहाँ पे जो है ना हम पहुँचे असगर मुखलिस भाई के घर, और ये आप देख सकते हैं टोटल सारे अभी तक सोए हुए हैं। हम दो बार इनके यहाँ आए लेकिन ये सोए हुए थे, पता नहीं ये सारा दिन सोए रहते हैं या यही सोने का टाइम है इनका, शायद रात को नहीं सोते। आ ना करे फिर ना कर, कितना मेंदा पे हसन चाचू, कितना मेंदा पे, छोड़े 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 चाचू छोड़े, देखो कितना मेंदे नहीं इधर नहीं जाता हसन बाद में किधर बन जाते हो, छोड़े छोड़े अच्छा छोड़े बेबे छोड़े छोड़े वाला इत्था में दे। हाँ बस आधे हट मान अगो गंदा बच्चा। हाँ जी चलें जी चलें आ जाएं और भाई से बातचीत कर लें, भाई को जो ना बुखार निकला हुआ है, अल्लाह ताला खैर करे, हम मलेरिया है ना वो बहुत तंग करता और है, और हमारा दिल भी नहीं करता कि इस हालत में छोड़कर घर जाए, क्योंकि मजबूरी है, वहाँ पे मेहमान है हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल जाना तो है घर। भाभी भी नाराज खड़ी है, क्यों वो कहती है थोड़े दिन के लिए आए हो, पता नहीं हम किस तरह टाइम निकाल के है, सीरियसली नहीं हमने कहा कि आएंगे हफ्ता 10 दिन लगाएंगे यहाँ पर, घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, आप पीछे इतने काम पड़े हैं, सर खुद जाने का भी टाइम हमें नहीं मिलता सीरियसली। फिर बस एक दिन दो दिन में, एक दिन तो इंसान को थकान होती है आने में, हाँ बिल्कुल, फिर कहीं जाने का मूड नहीं होता, कल का दिन था, कल आप खुद मसरूफ थे तो तबीयत भी सेट नहीं थी, फिर आप तैयारी करके रवाना हो रहे, लेकिन वहाँ पे मेहमान जो है ना हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ मेहमान कुछ ने अभी आना है जी। तो इसलिए जो है ना मजबूरी है, फिर जाना पड़ेगा, और ये अम्मी जान ने गिफ्ट दिया है माशाल्लाह, मैंने उठाया हुआ, ये सासू माँ को दिया हुआ है, उठाया मैंने। अच्छा अच्छा चलें जी अहमद भाई को मिलते हैं, उसके बाद जो है इजाजत लेते हैं, चलते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी भी बुखार है तो अल्लाह ताला सियात कामिल अता फरमाए। उठें जी हमें इजाज़त दें, आप नाश्ता करें, टेबलेट खाएं, दवाई पिएं, हम जा रहे हैं, हाथ मुंह धो लो, शाबाश, उठ जाओ बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। अहमद भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए जो है ना इसे बस उठा के बिठा दिया है, तो हम चलते हैं इजाज़त लेते हैं, अल्लाह खैर करे, ठीक है अहमद भाई ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है सर, जुल दे पाए अल्लाह हाफिज, ठीक है हेलो पैदा हसन तक पहचान ले, ठीक है पहचान माशाल्लाह वाह खैर खुशी नाल बनी, ठीक है सर जी जाना और
हसन दिल दो पैसा दे कटे हसन किधर जा रहे हो? हसन यानी बिल्कुल रेडी हो चुका है जाने के लिए कि हम जा रहे हैं। हसन यानी बाय बाय कर दो, बाय बाय। हाँ बाय बाय कर दो सबको, अपनी मम्मा को बाय बाय कर दो। आज हम घर चले, उधर नहीं जाना। नहीं नहीं मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे नहीं मैंने अबे आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जब पहुंच जाना है फिर आपने मैसेज छोटा सा छोड़ देना है इंशाल्लाह ताला, कॉल कर देंगे आपको। ओके जी ओके, इस्तेमाल रखना यार, ठीक है मेरी बहन। ओके ना जी, अल्लाह अल्लाह जी। हमारे मेहमान जो है ना आज हमें अकेला छोड़कर जो है ना वो जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से हमारे पास वापसी आएंगे, है ना भैया? नहीं आप भी आना है, आप आना है, इंशाल्लाह जब फिर आएंगे ना आपके घर आएंगे, फिर आएंगे दावत खाएंगे, फिर आएंगे दावत खाएंगे। अब हम नहीं आएंगे, जब किस्मत में होगा ना जब भी आते हैं आपके घर दावत जरूर खाना खाना। इंशाल्लाह मुलाकातें होंगी जरूर, था यकीन कि होंगी मुलाकात, कभी तो हो रही हैं और भी होंगी। वो गलती ना पावने ना तब लग ये बाग में राज राज के मौसाई का टाइम है, टाइम में बाद वाला टाइम मिलना टाइम। हमें पता नहीं था आपके घर का, सीरियसली पूछा है, बताया कि इस गली में है, ये पता नहीं कौन सा घर है, अगर पता होता तो हम चक्कर लगा लेते। इतना बड़ा शहर था, हम गली में कहीं गुम हो जाते, गुम हो जाते, अच्छे बच्चे रोते नहीं, गुम हो जाते, इतना बड़ा शहर। मैं तो गली में तो रो भी नजर आता है भाभी, सब भाभी इमोशनल होगी बहुत ज्यादा भाभी, सही सही दिलों में लगी है ना, देखते हैं कमली भाभी रोना नहीं इंशाल्लाह ताला, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जिंदगी बाकी। तो भाभी रोना नहीं है, हंस के दिखाएं आप, वरना हमें परेशानी होगी बहुत ज्यादा, हंस के दिखाएं, रोना नहीं है। रोए ना ना भाभी, इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी मुलाकात होगी, टेंशन ना गिनो।
ठीक है अच्छा अल्लाह हाफिज़ बहु बैठ जा भाभी परेशान हो गई है बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जल्दी फिर मिलेंगे ना टेंशन लो आप भी ठीक होते ना उनको साथ लेके जाओ हाँ अब जल्दी आप आना जो तबीयत सेट होती है ना इंशाल्लाह ताला अब हम आपका इंतजार कर रहे हैं आप वहीं पे होंगे इंशाल्लाह ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़ अकरम भाई अफजल भाई भाभी हाँ अम्मी जान अल्लाह हाफिज़ ठीक है अल्लाह ताला करम करे जी बचाव हो गया आ जा हबीबुल्लाह चले बिस्मिल्लाह अभी भी हम रास्ते में हैं और ये आप देख सकते हैं गाय जा रही हैं सब सारी गाय हैं हम पहुंच चुके हैं जी हद पांच नाग पे ये जी तो अभी भी हम रास्ते में हैं और ये आप देख सकते हैं एक रोड वो जा रहा है एक ये जा रहा है तो यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर आराम किया है अब आगे निकलते हैं मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है बहुत जबरदस्त क्या ही बात है ठंडा ठंडा मौसम आ जाओ जी अब बस हमारा स्टाफ जो है ना सिना में होगा मेहमानों के साथ ठीक है आगे देख अरे यार तू भी कत्ता में शायद तुम भाभी दी याद है चौधरी भाभी सब बहुत होने दी तीन दे ये देखिए ये देख कितने तहजीब से बैठा हूँ आज नजरें झुकाकर कभी सोचा ना था जिंदगी इतना उदास कर देगी